हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीबर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे बीबर्स, इस वक्त सुबह का टाइम हो चुका है और तमाम घर के मेंबर्स उठ चुके हैं। सब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। आमना और अरुज जो हैं वो नाश्ता कर चुके हैं डबल रोटी और चाय के साथ। बाकी मैंने अम्मी और अब्बू के लिए नाश्ता बनाना है और अम्मी यहाँ पे कंघे कर रही हैं बीबर्स, और मनाहिल फातिमा खेल रही है। अरुज और आमना भी इस वक्त अपनी एक्टिविटीज़ में लगी हुई हैं। तो वीवर्स ये देखिए जी, अब्बू भी अपने मोबाइल में इस वक्त लगे हुए हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और वीवर्स अब जो है मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। मनाहिल फातिमा जो है वो इस चूज़े को देख रही है, सहन में चूज़ा घूम रहा है, अरुज का ये चूज़ा है और मनाहिल फातिमा इसी को देख रही है दरवाजे में बैठ के। और बा और भाई की यहाँ मोटरसाइकिल का कोई मसला हो गया है, जो आमना के पापा हैं वो अपनी मोटरसाइकिल को ठीक करने में लगे हुए हैं व्यूवर्स। और ये देखिए जी, मनाहिल को अम्मी ने इस वक्त कुर्सी पे बिठा दिया है। और मैं इस वक्त आपको अम्मी अब्बू की मेडिसिन दिखाती हूँ। समझ ले कि इस वक्त इनकी एज ऐसी है कि मेडिसिन पे ही डिपेंड कर रहे हैं और बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं। ये तीनों थैले अम्मी और अब्बू की मेडिसिन के हैं, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मनाहिल फातिमा इस वक्त कुर्सी के नीचे घुस चुकी हैं। मैं आ गई हूँ व्यूअर्स, वहाँ पे मैंने अंडे अपने लिए बॉईल कर लिए थे अम्मी के लिए भी, और चाय जो है वो काफ़ी देर पहले आमना ने बनाई थी अपने लिए और अरुज के लिए। तो इस वक्त यहाँ पे मैं अम्मी और अब्बू के लिए नाश्ता रेडी करूँगी और अपने लिए। तो व्यूअर्स यहाँ पे अंडे बॉईल हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों से आज कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ जो माँ बाप के हवाले से हैं। देखिए व्यूअर्स, आजकल बहुत बुरा दौर जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई ऐसा है, नहीं, बहुत अच्छे बहुत रिस्पेक्ट करने वाले लोग भी हैं। ये देखिए जी, अब्बू के लिए मैं खिचड़ी बना चुकी थी और अब मैं इसके भगाड़ लगाऊंगी और इधर अंडे उबल चुके हैं। तो व्यूअर्स, मैं ये कहना चाह रही थी कि माँ बाप जो हैं इनकी खिदमत किया कीजिए। माँ बाप वो अनमोल तोहफ़ा होते हैं जिनका कोई नेमो बदल नहीं होता है। जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं वो खुशनसीब लोग होते हैं। अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करिए। अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाइए, क्योंकि माँ बाप का दिल टूटता है तो उनकी आह रब तक जाती है। और माँ बाप कभी अपने औलाद को बदुआ नहीं देते, लेकिन जब दिल से निकल जाती है तो वो अर्श तक चली जाती है। माँ बाप की खिदमत करें, और माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उनकी ज़्यादा खिदमत करें। तो भी वर्ष यहाँ पे मैं भगाड़ लगा चुकी हूँ खिचड़ी को, और यहाँ अम्मी के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो मेरा टॉपिक यही था कि माँ बाप को कभी बोझ मत समझे। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। अगर माँ बाप 12 बच्चों को पाल सकते हैं, तो 12 बच्चे मिलके 2 माँ बाप को क्यों नहीं पाल सकते? तो एक हदीस भी है कि बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जिनको माँ बाप अपनी ज़रूरतें बताते हुए डरने लगते हैं और अपनी ज़रूरतें बताते हैं, बल्कि हमें खुद उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। हमें वो ना बताएं, हम उनसे पूछें कि उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो डरते हैं। तो भी बस ये, इस वक्त मैं रोटी बना रही हूँ अम्मी के लिए, और ये देखिए जी, रोटी जो है इस वक्त बन रही है। और मैं यही कहना चाहूँगी, जिस घर में माँ बाप मौजूद होते हैं वो घर जन्नत होता है। प्लीज़ अपनी जन्नत को ख़राब मत कीजिए। माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखें, माँ बाप की परेशानियों का ख्याल रखें, और यकीन करें कि जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं उस घर में अल्लाह पाक वैसे ही रहमतें नाजिल फरमा रहा होता है। और माँ बाप की खिदमत करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो है वो हर वक्त दुआ करते रहते हैं। और माँ बाप की खिदमत करने से आपको हर मुकाम पर कामयाबी हासिल होती है। प्लीज़ व्यूअर्स, माँ बाप की खिदमत करें, उनको नाराज़ मत करें। माँ बाप जो है वो आपके लिए अनमोल तोहफा हैं। अपने माँ बाप को कभी नाराज़ मत कीजिए, जितनी हो सके उनकी खिदमत कीजिए, और इसी में सुख है, इसी में आप दुनिया भी हासिल कर पाओगे और आखिरत भी हासिल कर पाओगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे रोटी बन चुकी है और अब मैं अम्मी के लिए अंडा बनाऊँगी।
ये देखें जी रोटी बन रही है, तो मैं यही कहूँगी। और देखें जी माशाल्लाह हम 9 बहन भाई हैं, लेकिन शुरू से अल्लाह पाक ने ये शर्फ मुझे नसीब फरमाया है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रही हूँ। मैं शुरू से उनके साथ हूँ, मैं शादी होके भी गई थी, अपने ससुराल 2 या 1.5 महीना रही थी, मैं वापस आ गई थी क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। इस वक्त उनकी एज ऐसी है कि उनको किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है और वो इस वक्त खुद से इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो व्यूअर्स, अल्लाह पाक ने ये शब्द मुझे नसीब फरमाया है और मैं ख़ुद को खुश नसीब समझती हूँ। और जब तक मेरे माँ बाप की ज़िंदगी है, अल्लाह पाक इन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, इनकी खिदमत करना चाहती हूँ। क्योंकि माँ बाप हैं तो सब रौनकें हैं, माँ बाप नहीं हैं तो बिल्कुल रौनक नहीं है। और मैंने ये खुद नोट किया है, घर में बुज़ुर्ग होते हैं तो घर की एक रौनक बंधी रहती है। तो व्यूअर्स, इस वक्त अम्मी का भी नाश्ता तैयार हो चुका है और अब्बू का भी नाश्ता तैयार हो चुका है। तो इस वक्त मैं अब्बू के लिए भी खिचड़ी निकाल के लेकर जा रही हूँ और अम्मी के लिए भी नाश्ता लेकर जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, आपको आई होप कि मेरी बातें समझ आई होंगी और मैं आज यही टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखती हूँ जी, माँ बाप को ओल्ड सेंटर छोड़ दिया, माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनको बहुत समझने लगे, कहीं पे ये कहा जाता है कि बेटों ने घर से निकाल दिया, कहीं पे ये कहा जाता है कि बेटियों ने घर से निकाल दिया, तो ये क़यामत की निशानियाँ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, इनको कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। बहुत अफसोस है उस औलाद पर जो माँ बाप को बोझ समझती है, जो अपने घर को तो घर समझते हैं, अपनी औलाद को औलाद समझते हैं, अपनी फैमिली को फैमिली समझते हैं, लेकिन माँ बाप को जो है वो दूसरी फैमिली समझने लगते हैं। क्योंकि माँ बाप बूढ़े जो हो जाते हैं, उनकी खिदमत कौन करे, उनकी देखभाल कौन करे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स, इस वक्त मैं अब्बू को खिचड़ी दे चुकी हूँ और ये बाहर सहन में एक्टिविटीज़ हो रही है। तो इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।